तो ऑल राइट गाइस, अब जो लोग लव स्टोरी का वेट कर रहे थे तो हाँ फाइनली लव स्टोरी आ चुकी है। एंड जिनको नहीं पता ये लव स्टोरी का क्या चक्कर है तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। गाइस जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो मेरी क्लास टीचर की बेटी थी ना उससे गाइस मुझको प्यार हो गया था एंड वो बेसिकली मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। एंड आप लोग समझ जाओ क्लास टीचर की बेटी गर्लफ्रेंड, तो भाई बहुत ही तगड़ा सीन हो गया था। उनकी मम्मी को पता चल गया था जो कि मेरी क्लास टीचर है, तो उसके बाद जो कुछ भी सीन हुआ था ना गाइस आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। एंड ये एकदम रियल स्टोरी है एंड जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सब आप सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गाइस जो लोग न्यू बंदे हो जिनको नहीं पता है लव स्टोरी का क्या चक्कर है, तो देखो लव स्टोरी का अभी तक एक से पार्ट फोर तक गाइस मैं बना चुका हूँ। गाइस जिन्होंने वो नहीं देखा तो उनको गाइस ये वाला पार्ट फाइव समझ में नहीं आएगा, तो गाइस मैं बेसिकली वो एक से पार्ट फोर तक आपको शॉर्टकट में जल्दी से समझा देता हूँ। तो देखो गाइस हम और हमारे दोस्त गाइस हम लोग गए थे चर्च में। 25 दिसंबर था, क्रिसमस था, तो वहां पे गाइस हमें एक लड़की दिखी एंड गाइस काफी अच्छी दिख रही थी। तो गाइस मैंने भी उससे बातचीत किया, नंबर वंबर लिया, बट उस टाइम मेरे को कोई भी अंदाजा नहीं था कि जो ये लड़की है ये मेरी क्लास टीचर की बेटी है। तो हम लोगों ने अच्छे से बातचीत की एंड ठंड थी, ठंडियों में छुट्टी भी पड़ती है, तो पूरा पूरा दिन गाइस हम लोग बातचीत करते थे। स्कूल की छुट्टी थी एंड गाइस देखते ही देखते ठंडियों की छुट्टी कब खत्म हो गई हमें पता भी नहीं चला। फिर गाइस स्कूल दोबारा से खुल चुका था, ठंडियों की छुट्टी खत्म हो गई थी। फिर गाइस हम फर्स्ट डे गाइस हम सारे दोस्त मिलकर स्कूल में गए एंड फर्स्ट पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ गाइस हमारे क्लास टीचर मैम अटेंडेंस लेने के लिए जैसे ही हमारे क्लास में पहुंची तो उनके पीछे पीछे गाइस मेरी गर्लफ्रेंड जिससे गाइस मैं बातचीत करता था वो भी आ रही थी। तब मैं देख के हैरान कि यार ये हमारी क्लास टीचर की मैम के साथ क्या कर रही है। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि ये हमारे स्कूल में कैसे आ गई। फिर गाइस उसको पता चलता है कि ये मेरी क्लास टीचर की बेटी है एंड तब गाइस मेरा कलेजा फेफड़ा सब कुछ बाहर निकल आता है। मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ क्योंकि यार क्लास टीचर की बेटी यार भाई आप समझ जाओ अगर इसकी मम्मी को पता चलेगा फिर यार टीसी कट जाएगी, घर में अगर मेरे मम्मी पापा को बोल देंगे तब गलत सीन हो जाएगा। तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। गाइस वो कभी भी हमारे क्लासरूम में आ जाती थी। एक बार गाइस वो हमारे क्लासरूम में आई और उसने मैम को बोल दिया कि विपू वो हमारे प्रिंसिपल सर बुला रहे। तो यार प्रिंसिपल सर के बहाने से गाइस वो मुझे क्लास से बाहर ले गई हाथ पकड़ के एंड उसने गाइस मुझे अपने स्कूटी के पीछे बैठाया। हम लोग गेट से ही बाहर चले गए स्कूल से एंड गाइस उसके स्कूटी के पीछे हम बैठ के और गंगा जी चले गए। गाइस गंगा जी में बैठ के हमने काफी देर तक बात की एंड गाइस जो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन था वो यही था क्या सच में तुम्हारी मम्मी मेरी क्लास टीचर है। तो वो कहती है हाँ मुझे लगा कि आपको पहले से ही पता होगा, बट नहीं यार मुझको ये पता ही नहीं था, पता होता तो भाई इतना बड़ा सीन ही नहीं करता मैं। तो यार मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर हम रेस्टोरेंट में गए, हमने खाया पिया, बट मैं भूल गया था कि बैग मेरा भी स्कूल में ही है। मैं विदाउट बैग आया था प्रिंसिपल सर के बहाने से, तो ये गाइस मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। फिर बैग का एक अलग सीन हो जाता है, तो वो आपको गाइस जैसे लव स्टोरी का पार्ट देखोगे पार्ट थ्री पार्ट टू तो आपको पता चलेगा। गाइस धीरे धीरे वो स्कूल में आती रही एंड मुझको ही घूरती थी ज्यादा वो, तो उसकी मम्मी को शक भी होने लग गया था। एंड बेसिकली एक बार गाइस उसकी मम्मी ने उससे पूछा एंड उसने सब कुछ उगल दिया कि हाँ विपू को लाइक भाई कैसा वैसा सीन है, तो उसने सब कुछ मेरे बारे में बोल दिया था। फिर उसकी मम्मी गाइस मुझको अपने ऑफिस में बुलाती है, उसकी मम्मी मतलब गाइस मेरी क्लास टीचर एंड मेरी क्लास टीचर मैम जब मुझे अपने ऑफिस में बुलाती है तब गाइस कलेजा फेफड़ा सब मेरा बाहर आ जाता है, इतना डरते डरते मैं जाता हूँ। फिर मेरी क्लास टीचर मैम मुझे बहुत ज्यादा सुनाती है, दोनों को ही ज्यादातर सुनाती है पर मुझे ज्यादा। फिर गाइस हमारी बातचीत बंद हो जाती है। फिर दो तीन दिन तक उसका कॉल मैसेज कुछ नहीं आता है, ना ही मेरा जाता है, क्योंकि यार क्लास टीचर मैम यार अब इतना ज्यादा बोलेगी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट गाइस मैं उसे कॉल मैसेज नहीं करता हूँ, सडनली उसका कॉल और मैसेज आता है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे बात करनी है। अब देखो बात करते करते अट्रैक्शन बन जाता है, तो मुझे भी बात करनी रहती थी, तो मैंने भी कह दिया चलो बात करेंगे पर चुप चुप के। तो गाइस हम फिर वहां से चुप चुप के बातचीत करते। फिर एक दिन गाइस मैंने उसको रात में कॉल किया एंड हम लोग रात में बात करते करते सो गए और हमारा कॉल ऑन ही रह गया भाई, और वो अपने मम्मी के बाजू में सोती थी एंड कॉल ऑन रह गया। उसकी मम्मी ने सुबह उठ के देखा कि कॉल तो ऑन है, किससे बात कर रही थी एंड मेरा नंबर उसके फोन में सेव भी था, तो उसकी मम्मी को पता चल गया। तो एक और बार गाइस उसकी मम्मी ने पकड़ लिया एंड इस बार तो भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ सीन हो गया। उसकी मम्मी ने गाइस उसे हॉस्टल भेज दिया देहरादून में, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूर है। अब ऐसा नहीं है कि डांट नहीं पड़ी भाई, दोनों को बहुत ज्यादा डांट पड़ी एंड उसको तो हॉस्टल ही भेज दिया। एंड यहाँ पे पार्ट फोर खत्म होता है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट फाइव, जो कि गाइस आपको पता चलेगा फिर क्या हुआ जब वो देहरादून चली गई थी। आप में से बहुत सारे बंदों को लग रहा होगा कि अब तो यार किस्सा खत्म है, वो तो देहरादून चली गई है तो किस्सा खत्म, बट नहीं यार अभी भी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैसे मुझको उसकी मम्मी कहती कि हमने उसे देहरादून भेज दिया हॉस्टल में, अब तुम उसको परेशान मत करना, तो मैं काफी ज्यादा टूट जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि हॉस्टल में भेज दिया इसको देहरादून में। आप बोल सकते हो कि एक सदमा सा लग गया था मेरे को काफी तगड़ा वाला एंड गाइस मैं काफी ज्यादा परेशान। मेरे दोस्त लोग गाइस पूछ रहे थे कि क्या हो गया तेरे
मेरे को गाइस। फिर गाइस 7-8 दिन तक मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया गाइस, मुंह पे खाना ही नहीं जाता था, खाना कैसे खाऊं यार, काफी ज्यादा सैड रहने लग गया था। दोस्त लोग भी परेशान थे मेरे कि हाँ भाई तेरे को क्या हो गया बता, ऐसा वैसा सीन है। तो यार मैं क्या बोलूं, किसको क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जाके गाइस देखो जो मेरा नंबर था उसको ना याद था। अब ये सबसे बड़ी चीज है गाइस, जो मेरा नंबर था उसको याद था। अब मैं देहरादून में कैसे जाऊं भाई, मुझको तो कुछ पता ही नहीं है। देहरादून छोटा थोड़ी ना है, देहरादून बहुत बड़ा है। अब मैं उसको कहां जाके ढूंढ सकता हूं वहां पे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। एंड गाइस देखो हॉस्टल, अब देखो हॉस्टल सबसे बेकार चीज होती है, आप मानो या ना मानो, वही परी जो होता है सब कारण वही परी होता है। तो मुझे हॉस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गाइस वो हॉस्टल में थी एंड मुझको गाइस काफी ज्यादा उसकी याद भी आती थी। एंड 8 दिन हो गए, 10 दिन आ गए गाइस, काफी दिन हो गए गाइस, उसका कॉल ना ही मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड मैं भी गाइस नॉर्मल स्कूल जाता था, स्कूल बैठता था, पढ़ता था, और ध्यान कहां लगाऊं यार, ध्यान लगता ही नहीं था। मैम पढ़ाई जा रही, मैं कहां ध्यान लगाऊं, अब लग ही नहीं रहा पढ़ाई में ध्यान, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो स्कूल और पढ़ाई में तो गाइस मेरा बिल्कुल भी ध्यान लगता ही नहीं था। उसके बाद फिर गाइस बहुत दिन हो गए गाइस, अब मान के चलो 1 महीना हो गया गाइस। 1 महीने बाद गाइस उसका कॉल आता है भाई। अब देखो 1 महीने बाद हॉस्टल गई, उसके 1 महीने बाद कॉल आता है। एंड तब क्या बात होती है गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखो गाइस मैं ना सडनली फोन चला रहा होता हूँ ऐसे ही गाइस मजे के लिए, दोस्तों से बातचीत कर रहा होता हूँ। एंड उस टाइम एक रैंडम नंबर से मुझे कॉल आता है। एंड गाइस वो कॉल गाइस मैं देखता हूँ किसका नंबर है, क्योंकि देखो मुझे कोई रैंडम नंबर से पहली बार कॉल आता नहीं है। एंड उस टाइम रैंडम नंबर से कॉल आया तो मैं देखता हूँ ये कौन है। फिर मैंने वो कॉल नहीं उठाया, ठीक है वो कॉल मैंने नहीं उठाया। फिर जाके गाइस 2-3 बार गाइस फिर से कॉल आया उसी नंबर से, तो मुझे यार लगने लगा कि हे कौन यार, चलो देखते हैं उठा के। तो यार मैंने उठा दिया उसे। एंड फिर जाके मैंने जब आवाज सुनी तो गाइस मैं पूरा का पूरा हैरान हो गया था। अब आप लोग समझ जाओ जो इतना पागल होता है एंड सडनली उसकी आवाज सुनने को मिलती है तो हैरान तो हो ही जाऊंगा ना। मैं बहुत ज्यादा हैरान था, खुश भी था, सब कुछ हो रहा था गाइस उस टाइम। जैसे ही मैंने कॉल उठाया था ना, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों को बताया, मैंने उससे डायरेक्ट यही बोला कि तुमने मुझे इतने दिन तक कॉल क्यों नहीं किया, पहले तो ये बोलो। फिर उसने ना मुझको बताया कि हॉस्टल में फोन अलाउ नहीं होता, और गाइस वो मुझसे काफी बार माफी मांग रही थी कि ना मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कॉल नहीं किया, ऐसा वैसा कह रही थी। एंड देखो यार वो ना सही भी कह रही थी, हॉस्टल में फोन अलाउ ही नहीं होता। एंड जिसके पास भी फोन होता है ना वो चुप चुप के ही फोन चला रहे होते हैं। तो गाइस मैंने उससे काफी बात की, फिर जाके मैंने कहा कि तुम भी एक फोन ले लो एंड उसे छुपा के रखना, एंड जब बात करनी रहेगी तो कॉल कर देना, अब यही तो कह सकता हूँ ना। तो गाइस फोन अब कहाँ से आएगा, देखो अब उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ी ना था, मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मेरे पे भी पैसे नहीं थे, और पैसे हो भी जाते तो मैं भेजता कैसे। उस टाइम ना ही मेरे पे फोन पे पेटीएम ये सब मुझे आता भी नहीं था यूज करना, ठीक है। तो गाइस उसी ने गाइस जुगाड़ किया, कुछ ना कुछ किया, एंड 3-4 दिन के भीतर उसने एक फोन ले लिया। अब मुझे नहीं पता उसने कैसे क्या जुगाड़ किया पैसे का। फिर गाइस उसके भी पास सीक्रेट फोन आ गया। एंड गाइस अब आपको बताता हूँ हॉस्टल की रियलिटी क्या होती है। हॉस्टल में जाने के बाद देखो जो आजादी होती है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे ना मम्मी होते ना पापा होते, डांटने वाला कोई नहीं रहता, बस जो टीचर होते वो स्कूल जैसे ओवर हुआ टीचर का भी पल्ला खत्म। अब आप गाइस जो हॉस्टल का रूम होता है वहां पे जाके लड़कियां सोती है, बैठ के जो करती करती है, वहां पे गाइस उसको आजादी होती है, कुछ भी कर सकती है। तभी गाइस हॉस्टल पसंद नहीं है। एंड जो गाइस जो मेरी बंदी थी वो गाइस घंटों घंटों तक अब मुझसे बात करती थी, क्योंकि देखो वहां पे ना उसकी मम्मी थी ना पापा, ना ही कोई कि उसे टोकेंगे डांटेंगे पकड़ी गई तो या फिर मारेंगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। तो गाइस अब वो घंटों घंटों तक मुझसे बातचीत करती थी। एंड गाइस आप कह सकते हो कि जो फोन होता है ना कॉल पे बात करने का, उसे लत लग चुका था। अब अगर गाइस मैं उसे कॉल नहीं करता था तब आप खुद सोच के देखो, अब लत लगाया तो गाइस किसी ना किसी तो करेगी ना कॉल। गाइस मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता था, बट हाँ मुझे उतना लत नहीं लगा था गाइस। फिर वो गाइस जब वो मुझे कॉल करती थी एंड मैं बाहर रहता था तो गाइस मुझे रिंग पहली बार सुनाई नहीं देती थी एंड मैं कॉल नहीं उठा पाता था। फिर गाइस जब मैं आता था घर में, फिर जब मैं देखता था कि कॉल आया उसका, फिर मैं उसे कॉल बैक जब करता था तो गाइस मुझको बताता था व्यस्त है, अन्य कॉल पर व्यस्त है। एंड गाइस बिजी 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 बहुत ही ज्यादा तब बिजी बिजी बताने लग गया था। एक बार बिजी बताया चलो चलता है, 2 बार बताया चलता है, 3 बार चलता है, 7-8 दिन 10 दिन गाइस मैंने देख लिया कि मैं जब भी कॉल बैक कर रहा हूँ तो बिजी ही बता रहा है। तब गाइस मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा गाइस मेरा दिल फिर से टूट गया। एंड मैं गाइस तब डिप्रेशन में आने लगे कि ये मुझे चीट कर रही है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर वो गाइस कहीं ना कहीं मुझे चीट कर रही थी। बट गाइस जब भी मैं उसे पूछता था कि किसका कॉल है, किससे बात कर रहे हो, तो गाइस एक रिप्लाई आता था उसका, बोलती थी मेरी फ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। एक दिन गाइस हद पार हो गया, मैंने उस पर काफी ज्यादा चिल्ला दिया। एंड गाइस मैंने उसको काफी ज्यादा ही बोल दिया था। एंड फिर वो गाइस बहुत ज्यादा मेरे पे गुस्सा हुआ एंड उसने कहा कि अब मैं हाथ काट लूंगी। तो गाइस
उसने फिर हाथ काटा कि नहीं काटा एंड उसके मैम को यार पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसके आगे का सीन गाइस जो होता है ना, मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ सीन हो जाता है। तो अभी तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन रही है, तो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, पार्ट 6 में आपको जल्दी बता दूंगा। गाइस देखो, एक पार्ट 6 लाने के लिए गाइस सिंपल सा लाइक गेम रखते हैं। इस वीडियो में आपको 15,000 लाइक कट में टारगेट देता हूं, जो इजीली आप लोग कंप्लीट करा दोगे। आई होप आप लोग गाइस जल्दी करा दोगे तो जल्दी वीडियो मिल जाएगी। 15,000 लाइक का टारगेट है तो जल्दी कंप्लीट करा दो। चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर दो यार, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना सही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।